EMI EMC टेस्ट स्टॉक में आपका स्वागत है। मैं संदीप दगड़े। क्या आपने नया प्रोडक्ट बनाया है और उसके ऊपर आपको EMI EMC टेस्ट करना है, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, हम करेंगे EMI EMC टेस्ट को वेरी वेरी इजी। EMI EMC टेस्ट स्टॉक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेडिएटेड इमिशन टेस्ट। ये जो रेडिएटेड इमिशन टेस्ट होता है वो हम क्यों परफॉर्म करते हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जो प्रोडक्ट डेवलप किया है उस प्रोडक्ट से कुछ नॉइस नहीं निकलने चाहिए। वो नॉइस जो रेडिएटेड होते हैं और उस नॉइस से हमें किसी और प्रोडक्ट को वो कपल नहीं होना चाहिए। इन्वायरमेंट हमारा क्लीन इन्वायरमेंट रहना चाहिए, उसमें कोई भी फ्रिक्वेंसी पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें याद रखना कि रेडिएटेड इमिशन करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो रेडिएटेड इमिशन टेस्ट होता है, ये आज हम जो सीखने वाले हैं वो कमर्शियल EMI टेस्ट है, इमिशन टेस्ट के अंदर आता है। और इसी का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है 30 MHz to 1 GHz। सिस्पर 11 और सिस्पर 22, ये दो जो दो स्टैंडर्ड है उसी को रिफर किया जाता है ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। रेडिएटेड इमिशन के स्पेसिफिकेशन, रेडिएटेड इमिशन रेडिएशन जो निकलता है वो निकलता है इनक्लोजर से या उसी के एसोसिएटेड केबल से। और उसका जो टेस्ट होता है वो एज पर सिस्पर 11 और सिस्पर 22 के हिसाब से किया जाता है। और ये जो डिपेंड होता है, सिस्पर 11 करना है, सिस्पर 22 करना है या सिस्पर 32 करना है, ये सब डिपेंड होता है आप कौन सा प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो और कौन सा प्रोडक्ट आप मार्केट में बेचने वाले हो। तो इसी में जो डिटेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं प्री मेजरमेंट के लिए पिक डिटेक्टर यूज़ किया जाता है और फॉर फाइनल मेजरमेंट के लिए क्वासी पिक डिटेक्टर यूज़ किया जाता है। और इसी डिटेक्टर्स के बारे में आपको जानना है तो आप प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियो कंडक्टर इनोवेशन में जाइए, वहाँ पे मैंने डिटेल में समझाया है कि पिक डिटेक्टर और क्वासी पिक डिटेक्टर कैसे होते हैं। स्टेप साइज जो है वो है 40 kHz, रिजोल्यूशन बैंडविथ है 120 kHz, स्कैन टाइम जो है फॉर प्री मेजरमेंट ये है 20 ms और फॉर फाइनल मेजरमेंट है 1 s। तो इस प्रोडक्ट टेस्ट रेडिएटेड इमिशन का टेस्ट करने के पीछे का रीजन है एम टू प्रोटेक्ट कमर्शियल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी सर्विसेज मोबाइल फोन सर्विसेज। तो जो प्रोडक्ट डेवलप किया हुआ है उसी से निकलने वाले रेडिएटेड नॉइस या रेडिएटेड इमिशन की वजह से ये सब डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो हम एक एक जो स्पेसिफिकेशन उसके बारे में जानेंगे। रेडिएशन फ्रॉम इनक्लोजर एंड एसोसिएटेड केबल, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कमर्शियल चीज़ें हैं और यह डोमेस्टिक भी चीज़ें हैं जो घर पे यूज़ किया जाता है, जैसे मोबाइल टॉवर, उससे भी रेडिएटेड इमिशन निकलता है, वैक्यूम क्लीनर से भी रेडिएटेड इमिशन निकलता है, हमारा ओवन है, एसी है। तो ये जो चीज़ें, जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ कर रहे हैं उससे इमिशंस निकलते हैं, लेकिन वो इमिशंस बहुत डेंजरस होते हैं। जब ये जो इमिशंस होते हैं वो डेंजरस बन सकते हैं कि जब वो एक लिमिट लाइन से बाहर हो जाए। तो इसीलिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रोडक्ट से निकलने वाले जो नॉइस है वो लिमिट लाइन से कम हो। देखिए ये बहुत सारे एग्जांपल्स है जिससे नॉइस निकलता है, जो रेडिएटेड इमिशन नॉइस होता है वो निकलता है। एंटेना है, फिर मोबाइल टॉवर्स है, फिर ऑफिस से निकलने वाले लैम्प है, फिर लैपटॉप्स है, नेचुरल है, फिर पावर लाइन ट्रांसमिशन है, टीवी, मोबाइल, कार, वैन, मोटर्स, ये सब एग्जांपल्स है जिससे बहुत सारे रेडिएटेड इमिशन हमेशा निकलते रहते हैं। फिर फ्रीक्वेंसी रेंज होता है 30 MHz to 1 GHz। तो ये जो ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ में आप देख सकते हो ये अलग अलग लिमिट लाइंस है। जिस तरह आपका स्टैंडर्ड चेंज होता है, ग्रुप चेंज होता है, उसी तरह उसके लिमिट लाइंस भी चेंज होते हैं। और इसका जो लेवल होता है, इमिशन लेवल dB माइक्रोवोल्ट पर मीटर होता है, क्योंकि ये रेडिएटेड नॉइस है इसीलिए उसको हमेशा dB माइक्रोवोल्ट पर मीटर में मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे जो ब्लू लाइन दिख रहा है, ऑरेंज लाइन है, ब्राउन लाइन है, ग्रीन लाइन है, तो आप यहाँ पे जान सकते हैं कि जिस तरह प्रोडक्ट चेंज होता है, प्रोडक्ट अलग अलग क्राइटेरिया में चेंज होता है, उसी तरह उसकी लिमिट लाइन दी हुई होती है। तो ये जो लिमिट लाइन है ये स्टैंडर्ड ने सेट की हुई लिमिट लाइन है,
तो जो भी प्रोडक्ट डेवलप किया गया है वह प्रोडक्ट इस लिमिट लाइन के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो हम अब जानेंगे रेडिएटेड इमिशंस में कौन से इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं। तो पहला है एनेकोइक चेंबर और जीटीएम सेल। फिर एनेकोइक चेंबर और जीटीएम सेल में हम प्रोडक्ट को रखते हैं। ये एनेकोइक चेंबर जीटीएम सेल क्या होता है, ये एक नल कंडीशन होती है जिसके अंदर कोई बाहर का नॉइस नहीं जाता है और अंदर का नॉइस बाहर नहीं जाता है। सिर्फ और सिर्फ तो प्रोडक्ट होता है, जो प्रोडक्ट से नॉइस रेडिएट होगा उसी को इसके अंदर मेजर किया जाता है। फिर ईएमआई रिसीवर, ईएमआई रिसीवर हाईली एडवांस रिसीवर होता है जो नॉइस को मेजर करता है। देन आरएफ केबल फॉर कनेक्शन बिटवीन द एंटेना एंड ईएमआई रिसीवर। एंटेना बाय लॉग पीरियडिक एंटेना यहाँ पे यूज होता है, ये जो है वो सेटअप है। तो इसको हम शॉर्ट में जानेंगे कि जो एनेकोइक चेंबर होता है उसके अंदर ये टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है। प्रोडक्ट जो होता है वो टेबल के ऊपर रखा जाता है, और जो टेबल का हाइट होता है वो 80 सेंटीमीटर होता है, और वहाँ से एंटेना का डिस्टेंस जो होता है 3 मीटर या 10 मीटर होता है। ये डिपेंड होता है कि आप छोटे चेंबर में टेस्ट कर रहे हो या बड़े चेंबर में टेस्ट कर रहे हो। या छोटे चेंबर में कर रहे हो तो 3 मीटर, बड़े चेंबर में कर रहे हो तो 10 मीटर। और ये जो हाइट होता है वो टेबल के फ्रंट मतलब यूटी के फ्रंट से एंटेना के मिडल तक होता है। तो यहाँ पे हर एंटेना पे उसका एक रेफरेंस पॉइंट दिया होता है, वहां से आपको वो डिस्टेंस मेंटेन करना है 10 मीटर। और ये जो है वो एंटेना का मास्ट है। ये जो मास्ट होता है यहाँ पे एंटेना 1 मीटर टू 4 मीटर मूव होता है। एट द सेम टाइम जब आप टेस्ट स्टार्ट करते हो तो आपका जो प्रोडक्ट होता है वो 360 डिग्री में मूव होता है, और एंटेना है वो 1 मीटर से लेके 4 मीटर तक ऊपर जाता रहता है। और उसी वक्त जो मैक्सिमम पॉइंट, जो मैक्सिमम नॉइस आएगा, तो उस वक्त वहां का जो एंगल है, टर्न टेबल का एंगल को रिकॉर्ड किया जाता है और एंटेना का हाइट को भी रिकॉर्ड किया जाता है। और ये जो होता है वो 20 मिली सेकेंड का जो स्कैन टाइम होता है उसी में होता है। और उसी तरह फिर एक बार उसको हॉरिजॉन्टली किया जाता है, फिर उसी के बाद उसको वर्टिकली भी किया जाता है। एंटेना को वर्टिकली करके फिर टर्न टेबल को घुमाया जाता है और एंटेना को 1 मीटर से लेके 4 मीटर तक मूव किया जाता है, और फिर देखा जाता है कि मैक्सिमम नॉइस कौन से हाइट पे, कौन से एंगल पे आ रही है, और इसी को ईएमआई रिसीवर मेजर करता है और उसको फिर रिकॉर्ड करता है। और जैसे ही प्री मेजरमेंट जो 20 मिली सेकेंड का होता है वो खत्म होता है, उसी के बाद फिर फाइनल मेजरमेंट उसी पॉइंट पे किए जाते हैं जो पॉइंट लिमिट लाइन के पास है, ठीक है। उसी पॉइंट को मेजर किया जाता है फॉर 1 सेकेंड फाइनल मेजरमेंट, फिर उसी का जो है फाइनल मेजरमेंट होता है फॉर 1 सेकेंड। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एनेकोइक चेंबर है, एनेकोइक ये सेमी एनेकोइक चेंबर है। यहाँ पे देखिए 5 साइड्स ऑफ द चेंबर आर फिल्ड विथ एब्जॉर्बर्स, ठीक है। तो ये ब्लू जो है वो सब एब्जॉर्बर्स है, ठीक है। और ये रेडिएटेड इमिशन के लिए देखिए यहाँ पे लॉग पीरियडिक एंटेना लगाया हुआ है, यहाँ पे यूटी है, और फिर ये मेजरमेंट किया जाता है। ऐसे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जो आपको टॉप साइड भी दिखाएगा, और जो वाइट जो आपको दिख रहा है वो रिफ्लेक्टर्स होते हैं ओनली फॉर द ब्राइटनेस। फिर यहाँ पे भी ये एंटेना है और ये ईयूटी है मतलब प्रोडक्ट है, और वो मूव होता है, ठीक है। ये जो हमने देखा वो चेंबर में कैसे टेस्ट किया जाता है। अब हम जानेंगे कि हम जीटीएम सेल के अंदर कैसे टेस्ट करते हैं। तो जीटीएम सेल जो होता है वो मोस्टली छोटे प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता है, बहुत छोटे है, और उसमें जो है वो एंटेना मूव नहीं होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ब्लू में दिख रहा है वो एब्जॉर्बर्स है, और ये डार्क लाइन जो है वो एक वन टाइप ऑफ एंटेना है, उसको सेप्टम कहा जाता है, इनर कंडक्टर। फिर ये रजिस्टिव लोड होते हैं यहाँ पे, और ईयूटी जो बहुत छोटे साइज के ईयूटी होते हैं उस ईयूटी को हम एज अ प्री कंप्लायंस टेस्ट करके हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और ये ईयूटी से जो निकलने वाले
नॉइस होते हैं वो सेप्टम रिसीव करता है और उसको रिसीवर को देता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्स वाई जेड डायरेक्शन में हमको वो टेस्ट करने होते हैं। यूटी को पहले एक्स डायरेक्शन में रखो, फिर उसको वाई डायरेक्शन में मूव करो, फिर उसके बाद उसको जेड डायरेक्शन में मूव करो और फिर उसमें से जो मैक्सिमम नॉइस है उसको मेजर करना है। सेम यहाँ पे है कि फर्स्ट टाइम वो प्री मेजरमेंट का स्कैन ले लेता है और उसी बाद फिर उसी स्कैन को हमें वापस से फाइनल मेजरमेंट फॉर 1 सेकेंड करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रैक्टिकली में सेटअप कैसे होता है। सेप्टम, रेजिस्टेंस, फेराइट फोम्स होते हैं, फेराइट टाइल्स और उसके आगे फोम्स होते हैं, टर्न टेबल, फिर यहाँ से वो EMI रिसीवर को जा रहा है। उसके बाद देखिए ये बाहर से दिखने के लिए GTM सेल ऐसा होता है। तो GTM सेल जो होता है वो प्री कंप्लायंस में आता है। यहाँ से यहाँ पे सिर्फ आप कॉन्फिडेंस देख सकते हो कि जो भी प्रोडक्ट आपने डेवलप किया है वहाँ उस प्रोडक्ट से कुछ नॉइस तो नहीं आ रहा है, रेडिएटेड नॉइस तो नहीं आ रहा है। फिर एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ गया उसी के बाद आप फुल कंप्लायंस टेस्ट के लिए लैब में जा सकते हो। GTM सेल में टेस्ट करने के बाद आप चेंबर में जा सकते हो, चेंबर में आपको टेस्ट करके फिर आपको फुल कंप्लायंस का सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे ये प्रूफ होगा कि जो प्रोडक्ट आपने डेवलप किया है उस प्रोडक्ट में कोई भी रेडिएटेड नॉइस नहीं निकल रहा है और वो प्रोडक्ट जो है वो सेफ है, विद इन अ लिमिट है। सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।